हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तन्वीर और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक्सेल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी के अंदर जब भी कोई एम्प्लॉय काम करता है तो वहां पे आपको पेरोल तो वहां पर आपको पे स्लिप बनाना पड़ता है। पे स्लिप कहिए या पेरोल कहिए, ये आपके कहने के ऊपर, कंपनियों में दोनों चीजें कही जाती है। तो दोस्तों, पे स्लिप और पेरोल के अंतर्गत जब हम बनाएंगे तो इसके अंदर एच लुकअप और वी लुकअप फार्मूले का यूज किया जाएगा। और अगर आप एच लुकअप और वी लुकअप फार्मूले का यूज नहीं जानते हैं, स्पेशली वी लुकअप फार्मूले को हम यूज करेंगे, और अगर आप नहीं जानते हैं कि वी लुकअप फार्मूला कैसे यूज होता है तो आप आई बटन पर जाकर के देख सकते हैं। और आई पहले वी लुकअप सीख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। मतलब कि पेरोल बनाते समय हम कई फार्मूले का प्रयोग करेंगे और देखेंगे और समझेंगे कि पेरोल कैसे निकलता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन का दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नई वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, मैंने यहाँ पे पेरोल के लिए पूरा सेटअप बना के रखा हुआ है और इसको आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ सीरियल नंबर है, नेम है, अकाउंट नंबर है, बेसिक सैलरी है, डीए है, परसेंटेज, फिर डीए निकला हुआ है, टीए है, एचआरए है, ग्रॉस पे है, टैक्स है, फिर इसकी नेट सैलरी है। एक्चुअली इसमें ध्यान रखिए कि इसमें हम लोग पेरोल या पे स्लिप के लिए हम लोग वी लुकअप फार्मूले का यूज करेंगे, लेकिन इसका रिजल्ट, ये तो एंट्री हो गई और इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ सीट वन पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर के आगे एक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पूरा राम और जो भी पूरा एंट्री है वो रिजल्ट दिखा रहा है। चलिए मैं आपको वैल्यू चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए रिजल्ट, सीरियल नंबर को मैं जैसे ही दो टाइप करूंगा और इंटर मारूंगा, देखिए चेंज हो गया, दो नंबर पे श्याम और इस प्रकार से रिजल्ट आ गया, इसकी नेट सैलरी भी अलग हो गई। फिर से मैं यहाँ पे इसको हटा करके तीन टाइप करता हूँ, देखिए चेंज हो जा रहा है। अब हम फिर से आ जाते हैं अपने सीट थ्री पे और जो भी एंट्री की हुई है एक चीज को ध्यान से देख लीजिए। तो मैं अभी नाम को रहने देता हूँ, अकाउंट नंबर को रहने देता हूँ, बेसिक सैलरी रहने देता हूँ, ये डीए परसेंटेज की एंट्री होती कैसे है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके एक बार कर देता हूँ डिलीट, दोनों को सेलेक्ट करके पूरा यहाँ से कर देता हूँ मैं डिलीट। तो डिलीट हो गया। उसकी ध्यान रखिएगा, जैसे मैं 10 टाइप कर रहा हूँ वहाँ परसेंटेज ऑटोमेटिकली ले रहा है। आपको करने का अगर कभी ऐसा होता है तो जैसे मैं भी 10 टाइप कर रहा हूँ, देखिए 10 ऐसे ही रह गया ना, लेकिन अगर आप चाहते हैं परसेंटेज का सिंबल है तो सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल है, उस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए 10 जैसे ही टाइप करते जाएंगे वो परसेंटेज में ऑटोमेटिकली लेता जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको पकड़ के ड्रैग कर लेता हूँ। अब बात आती है डीए निकालने की, तो इक्वल टू साइन लगाएंगे और हम अपने बेसिक सैलरी पे क्लिक करेंगे और घोड़े का निशान लगाने के बाद डीए पे क्लिक करेंगे परसेंटेज पे और इंटर प्रेस करेंगे। तो अपेक्षित ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3489 रुपये पैसे में कुछ आ रहा है। अभी मैं इसको यहाँ से कुछ नंबर ऑफ जो जीरो की संख्या है वो बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल निकाल लेते हैं तो हमको काउंट करने में जो टोटल बनेगा वह है इधर आएगा। चलिए अब देख रहे हैं सभी जगह ऐसे दशमलव के बाद जो संख्या आ रही है वो 412 कुछ भी आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे राउंड फार्मूला लगा लेते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है। इसके लिए हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं राउंड और कोष्टक लगाने के बाद फिर यहाँ कामा जीरो और कोष्टक बंद करके इंटर प्रेस कर देते हैं। जैसे इंटर प्रेस किया आप इसे ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। और ये देखिए मैं इसको पकड़ करके ड्रैग कर ले रहा हूँ और यहाँ से मैं जीरो हटा देता हूँ। अब देखिए केवल ये पूर्णांक संख्या में हो गई, ये दशमलव वगैरह सब गायब हो गया। और मैंने यहाँ पे टीए दिया हुआ है, टीए का मतलब ट्रेवल अलाउंस होता है और डीए का मतलब डियरनेस। टीए, डीए, एचआरए, ये सब मैंने यहाँ मैनुअली दिया हुआ है। ग्रॉस पे के लिए अब हम क्या काम करेंगे, एक्चुअली ध्यान दीजिए, मैं इसको डिलीट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप इक्वल टू साइन लगाएंगे और बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस टीए प्लस एचआरए, इन सबको सेलेक्ट करके जैसे इंटर मारेंगे ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर लेगा, जोड़ लेगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ और बताना चाहूंगा, ये तो मैं बेसिकली सेटअप किया हूँ। आप जिस भी कंपनी में या जहाँ पर भी काम करने जाएंगे वहाँ पे और क्या क्या कंपनी पे करती है उस हिसाब से आप मैनेज करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं, मैंने टैक्स दिया हुआ 1000 रुपये मैनुअली और नेट सैलरी की हम बात कर लेते हैं। तो इक्वल टू साइन लगाएंगे, ग्रॉस पे में से माइनस करेंगे टैक्स को, जैसे ही टैक्स कटा देंगे जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे पूरा रिजल्ट हमारा आ गया है। चलिए अब क्या करना है, चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं सीट वन पे और ये पूरा सेटअप है। इसके लिए चलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ पूरा।
फिर से हम आ जाएंगे शीट थ्री पे, और ये जो हमारी पूरी एंट्री यहाँ पे हुई है इसको हम कर लेंगे सेलेक्ट, और यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अच्छी ध्यान रखिएगा, हम आ जाएंगे शीट वन पे और यहाँ पर आएंगे राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट अभी नहीं करेंगे, हम करेंगे पेस्ट स्पेशल। इस पर जाने के बाद यहाँ ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके कर देंगे। अब अच्छी ध्यान दीजिए, यहाँ पर सब कुछ जो है, देखिए हमारा जो पोर्ट्रेट था लैंडस्केप और लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज के माध्यम से। चलिए मैं इसको थोड़ा कलर अभी हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए एक चीज अभी और ध्यान दीजिए, यहाँ पे सीरियल नंबर वन है और सीरियल नंबर वन के सामने राम है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं वन टाइप करता हूँ और नेम क्या गया जाता है। अब मैं नेम नहीं टाइप करूंगा, यहीं पर हम लगाएंगे वी लुकअप फार्मूला, इक्वल टू साइन लगाएंगे और टाइप करेंगे वी लुकअप कोष्टक लगाने के बाद अब यहाँ पे देखिए लुकअप वैल्यू मांग रहा है, तो लुकअप वैल्यू में सीरियल नंबर एक पे क्लिक करेंगे, फिर कामा लगाएंगे टेबल एरे। अब टेबल एरे के लिए हम चलते हैं सीट थ्री पे और जो पूरी हमारी एंट्री है इस पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं। ध्यान रहे एक भी ब्लैंक सेल रो कॉलम कोई भी सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर से हम आ जाते हैं सीट वन पे और अभी हम कामा लगा लेते हैं। कामा लगाने के बाद यहाँ मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर नेम हमारा दो नंबर पे, तो दो टाइप करते हैं कामा जीरो कोष्टक बंद करके, अभी इंटर नहीं मारेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैंने डाटा उठाया है वो उठाया है सीट थ्री से और हमारा हम जो काम कर रहे हैं वो सीट वन पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर को करना क्या है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बस तीन टाइप करके इंटर प्रेस कर दीजिए। चार टाइप करता हूँ, चार पे देखिए अनुराग दिखा रहा है और सीट थ्री पे आप आके चेक कर लीजिए, सॉरी अनुराग एक दो तीन चार नंबर पे कौन आ रहा है, अनुराग। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि चार नंबर मैंने क्या काम टाइप किया, तो एक अनुराग मैं एक टाइप कर देता हूँ। चलिए अब क्या करना है, जो यहाँ पे राम का निकला हुआ है रिजल्ट निकला हुआ सीरियल नंबर एक का, हम आ जाएंगे फार्मूला बार पर और इसको सेलेक्ट कर लेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे और सब में से पेस्ट करते चले जाइए। ये अकाउंट नंबर तीन नंबर दे रहा है, इस पर डबल क्लिक करिए और यहाँ पे जो दो है इसको हम कर देते हैं तीन। फिर ऐसे यहाँ पर आते हैं और इसके सामने चार नंबर बेसिक सैलरी चार कर दीजिए, सबका नंबर चेंज कर देंगे यहाँ पर। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप करूंगा थोड़ा सा। तो दोस्तों मेरा रिजल्ट एकदम बन के तैयार है और आप किसी को बस यहाँ सेलेक्ट करके प्रिंट आउट करके दे सकते हैं। फिर से मैं एक बार करके चेक कर लेता हूँ, दो नंबर टाइप किया देखिए श्याम आ रहे हैं, फिर तीन नंबर पैसे मोहन और ये अकाउंट चेंज हो जा रहा है। चलिए फिर से मैं देख लेता हूँ, तीन नंबर पे देखिए मोहन आ रहे हैं और इनकी सैलरी कितना 44,202 रुपये, और यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं 44,202 रुपये। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।